तो आदिल भाई, ये आपका प्रीपेड कार्ड एक्टिवेट हो गया है, ये आप अपना चेक कर लीजिए। आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दिए थे, जिसमें आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपने अपना एयर टिकट की कॉपी हमें दी, अपने वीज़े की कॉपी दी, और जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसका आपने हमें ऑफर लेटर प्रोवाइड किया। ठीक है, अभी आपने जो अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है उसी के अकाउंट के हिसाब से, जो भी रेट आज की डेट में चल रहा है बैंक का, उसके अकॉर्डिंग आपके कार्ड में US डॉलर अपलोड हो जाएंगे। ठीक, बाकी जो भी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी कि आगे किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। एक बॉर्डरलेस प्रीपेड की जो एप्लीकेशन होती है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, और आपको एक आपने जो ईमेल आईडी दी है उस पर एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, 24 घंटे के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन पे ही आपको अपने कार्ड नंबर एंटर करना है, अपनी सारी डिटेल्स आप एंटर करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आप अपना बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कितना आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया कार्ड, कितना आप में बैलेंस बचा है। और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो अगर आपके फैमिली मेम्बर चाहें तो इसको और दोबारा भी लोड करा सकते हैं जितना पैसा चाहें। ठीक है ना, तो वो अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, बस ब्लड रिलेशन होना चाहिए जो भी पैसा आप में आपके अकाउंट में लगाना चाह रहे हैं आप इस कार्ड में। ठीक है, आपने हमारे जो चैनल के बारे में वही ऑनलाइन ही चेक किया था ना, हमें गूगल पे देखा था आपने, उसी के ज़रिए आप आए थे। तो और कोई ज़रूरत हो सर्विसेज की तो बताइएगा। ठीक है भाई, ये प्रीपेड कार्ड आप अपना यूज़ करिएगा, 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। वही एक चीज में मतलब अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जी, उसके बाद एप्लीकेशन क्या करना है। एप्लीकेशन में आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना होगा, बाकी सारी चीज़ें वो बताता जाएगा, जो जो चीज़ें आपसे पूछेगा वो आप डालते जाइएगा, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ईमेल आईडी कंफर्म करेगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल, जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन कोई अकाउंट बनाते हैं कहीं, तो कंफर्मेशन की जो जो चीज़ें होती हैं वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू होगा सारा। अच्छा, इसमें आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आपका कार्ड कहीं खुदा ना खास्ता खो जाता है, आप टूर पे हैं, बाहर हैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर एक इमरजेंसी फंड भी हम लोग मुहैया करा देते हैं, वो 500 US डॉलर तक होता है। ये मान लीजिए कहीं पर्स गिर गया, कुछ हो गया, तो वो इमरजेंसी में आप वहाँ पे, आपको अच्छा, एक इसकी क्या लिमिटिंग कुछ है। वैलिडिटी आपकी ये हमेशा रहेगी। हाँ, मतलब जैसे नॉर्मल जब हम लोग के एटीएम होते हैं 6-7 साल 5 साल रहती है, ऐसे ही रहती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से इस्तेमाल करिएगा, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू भाई।